जनपद मुरादाबाद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुरादाबाद के जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि पाकबड़ा क्षेत्र अंतर्गत युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में जो आरोपी हैं अभी गिरफ्तार नहीं हुए रात, मगर उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिलाधिकारी से मिली है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। तो वहीं जानकारी देते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि थाना पाकबड़ा क्षेत्र अंतर्गत गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है और पीड़ित परिवार पर भी दबाव है। कृपया कर लोकतंत्र बचाओ मोर्चा से न्याय की गुहार लगाई। तो वहीं लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने 7 तारीख को SSP महोदय को एक ज्ञापन दिया और उसमें मांग की थी कि पीड़िता को न्याय मिले और मुलजिम तत्काल गिरफ्तार किए जाएं। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी को अवगत कराने और ज्ञापन देने आए हैं। पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, इसकी जांच हो और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। थाना पागवाड़ा के अंतर्गत एक गैंग रेप की FIR दर्ज हुई थी पिछले दिनों में और जो गैंग रेप के मुलजिम थे उनको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। उन मुलजिमानों ने उस पीड़ित परिवार के ऊपर तमाम दबाव बनवाए हैं। उस कड़ी में उस पीड़िता ने आके लोकतंत्र बचाओ मोर्चे के नेताओं से अपनी गुहार लगाई कि मेरे खिलाफ ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और हम पर दबाव बनाए जा रहे हैं। तो लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 7 तारीख को SSP महोदय को प्रदर्शन करके यहाँ एक ज्ञापन दिया था और उसमें मांग की थी कि पीड़िता को न्याय मिले और ये मुलजिम तत्काल गिरफ्तार किए जाएँ। तो उसी कड़ी में जो उसमें मुलजिम है हाफिज, उसकी एक रिश्तेदार ने पुलिस से हमसाज होकर के जो लोग उस दिन ज्ञापन देने आए थे तो उनके नाम घर में घुसकर मारपीट अभद्र व्यवहार का एक फर्जी मुकदमा पागवाड़ा थाने के अंतर्गत लिखवा दिया गया है और पुलिस जो रैपिस्ट हैं तो उनको तो पकड़ नहीं रही, उनको तो गिरफ्तार करने गई नहीं और लेकिन ये फर्जी मुकदमा लिखा गया तो उन नेताओं के घरों में जाकर दबिश पुलिस ने देना शुरू कर दी है। तो इसी कड़ी में आज हम जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, फर्जी मुकदमे की इसकी जांच हो और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखने पर उनके खिलाफ भी मुकदमा एक लिखा जाए। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था? 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा उन्होंने दर्ज किया है। कोई आरोपी गिरफ्तार है? आरोपी एक गिरफ्तार हुआ है। पिछले देखा गया था कि पिछले समय में भी पीड़िता जो है वो धरने पर बैठी थी, क्या आश्वासन दिया गया था प्रशासन द्वारा? SSP महोदय ने उसमें खुद मैं मिला था तो उन्होंने ये कहा था कि 14 तारीख तक ये सब गिरफ्तार हो जाएंगे और 14 तारीख के बाद आप लोग हमसे आकर के मिले। 14 तारीख तो बीत चुकी है, 14 तारीख बीत गई है और अभी मुलजिमान बाहर घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं। किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है? दबाव यही है, इन्होंने एक फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। अगर कोई बोलेगा इस लोकतंत्र में, किसी की आवाज उठाएगा, उसको न्याय दिलाने के लिए आगे आएगा तो क्या उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे? अब क्या चाहता है पीड़ित परिवार? पीड़ित परिवार ये चाहता है वो मुलजिम पकड़े जाए, जो फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं इनको तत्काल निरस्त किया जाए। क्या दोबारा धरने पर बैठेगा पीड़ित परिवार? अगर ये नहीं हुआ तो उस पीड़ित परिवार के साथ हम धरने पर बैठेंगे। वही अब देखना ये भी होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है।